लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय पार्टियां भी और नेशनल पार्टीज को भी, सभी दलों को आज एक हाईटी के ऊपर राजभवन बुलाया है। राजभवन में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रात को इन्हें होस्ट करेंगे। जून 24, 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को एक बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। 19 जून 2021 को उसका न्योता दिया गया था, यानी चार दिन पहले न्योता दिया गया और 24 जून को वो मीटिंग हुई। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो अलग अलग राजनीतिक दलों को बुलाया है, ये पहली ऐसी मुलाकात है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो लगभग सभी लोग पूछ रहे थे कि एलजी एक राजनीतिक आदमी को बनाया गया है, राजनीतिक आदमी के एलजी बनने के बाद संभावनाएं तो ये थी कि ये जब आएंगे जनसंपर्क अपना बढ़ाएंगे, इनका जनसंपर्क बढ़ेगा, आम जनमानस के साथ इनकी बात, आम जनमानस के साथ ये बातचीत करना शुरू करेंगे, तो वो जो सिविल सचिवालय में आज आम जनमानस नजर नहीं आ रहा, शायद आहिस्ता आहिस्ता वो वहां की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। फिर ये भी था कि एडवाइजर शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ना एडवाइजर नियुक्त हुए, ना ही अब कोई संभावना है कि आने वाले दिनों में एडवाइजरों की नियुक्ति की जाएगी ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना कार्यकाल ठीक तरीके से चला सकें, अपना कामकाज ठीक तरीके से चला सकें। और दूसरी जहां आशंका हो चुकी है कि नवंबर दिसंबर के महीने में और दिसंबर जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर में संभवतः चुनाव हो सकते हैं, उसके चलते अब अगले 3-4 महीने, जो 4-5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ऐसा लगता है कि उन्होंने वो गतिविधियां शुरू की हैं जिन गतिविधियों में जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को और आम जन जनमानस का, जिन लोगों ने लंबे समय तक नेतृत्व किया है, उन्हें राजभवन बुलाकर उनसे संपर्क साधना, उनसे बातचीत करना, उनके सुझाव लेना और उनसे ये तवक्का और ये उम्मीद रखना और उनसे ये गुजारिश करना कि यात्रा हो या यात्रा के बाद का पीरियड हो, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार की सहायता करें ताकि जम्मू कश्मीर सरकार यात्रा को भी सकुशल तरीके से संपन्न कर सके। और दूसरा ये कि आम जनमानस की दिक्कतें और परेशानियां जो हैं, उनका नोटिस भी राजभवन इन तमाम नेताओं के जरिए ले सके। ऐसा लगता है कि ये कोशिश जो है राजभवन ने की है। इसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस पहले कदम को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और एक समय पत्रकार रहे सैयद सुहेल बुखारी, जो महबूबा मुफ्ती के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग जो शाम को होनी है, जिसको एक बड़ा गंभीर किस्म की मीटिंग बताया जा रहा है, सुबह आप उसके लिए न्योता देते हैं। व्हाट अ मॉकरी बाय द वे, व्हाट हैपेंड टू द आउटकम ऑफ ऑल पार्टीज मीटिंग। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि आखिरकार क्या हुआ जो पीएमओ और प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एलजी साहब भी थे, जिनमें होम मिनिस्टर भी मौजूद थे, उस मीटिंग का नतीजा आखिरकार क्या निकला। ये सारी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही। साफ तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सवाल खड़े करते हुए कि आपको अगर कोई गंभीर किसी मसले के ऊपर, गंभीर किसी विषय के ऊपर अगर आपको मीटिंग करनी है, तो मीटिंग के लिए आपको हमें न्योता एक दिन पहले देना चाहिए था, तब जाकर हम उसके बारे में अपना मन बनाते, विचार बनाते और उसके बाद जाकर हम मीटिंग में शामिल होते। लेकिन आप रात को तय करते हैं कि आपको मीटिंग करनी है, सुबह आप न्योता भेजते हैं और कहते हैं जी शाम को हाजिर हो जाओ। ये कौन सा तरीका है? आपको मैंने जम्मू कश्मीर के राजभवन का तरीका तो बता ही दिया है कि यहां छोटा फंक्शन हुआ होता था राजभवन में, या बड़ा होता था, उसका न्योता अक्सर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या कभी कभी हफ्ता पहले, 4 दिन पहले दिया जाता था। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, राजभवन वही है, लेकिन राजभवन में फर्क अब यह आया है कि अब न्योता सुबह आया है और शाम को मीटिंग के लिए तमाम नेताओं को बुलाया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उसको लेकर बात की है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें भी न्योता आया है और मैं इस मीटिंग में शामिल हूंगा और जानूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान एक बात साफ तौर पर दर्शाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हालात को समझते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बात को भी समझते हैं कि संपर्क साधे बगैर, बात किए बगैर और जहां बात का मौका मिलता है अपनी बात रखे बगैर बात बनेगी नहीं। इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री की मीटिंग हो या अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है, ये मीटिंग हो, साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि घाटी से अगर एक नेता कोई
हर कदम उठा रहा है और पहला कदम उठाता है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। जब प्रधानमंत्री ने आमंत्रण दिया उस समय हालांकि गुपकार ने मीटिंग की, मीटिंग करके फैसला लिया कि हमको प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहिए, लेकिन पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा कि हम मिलने जाएंगे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। और यह भी बाद में खबरें बाहर आई कि जिस समय गुपकार की मीटिंग हो रही थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एकमात्र नेता थे, जो बाकी नेताओं को जिन्होंने तैयार किया और कहा कि अगर हमें विरोध करना है किसी चीज का, कोई बात की सरकार के समक्ष रखनी है या किसी बात को सरकार तक पहुंचाना है तो उस बात को पहुंचाने का तरीका कतन ये नहीं कि हम सरकार से कोसों मील की दूरी पर रहें, बेहतर यह है कि हम सरकार से संपर्क साधें, बात करें, अपनी बात रखें और सरकार की बात सुने, क्योंकि आखिरकार कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अगर कुछ लेना है, अगर जम्मू कश्मीर को कुछ मिलना है वो इसी सरकार से मिलना है, क्योंकि यही सरकार सत्ता में 2024 तक है जब तक अगले लोकसभा चुनाव नहीं होते। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कुछ बातें पब्लिक में, आम जनमानस में आई थी। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुलाया, अब इसमें है क्या, बात किस चीज पर होने वाली है? जानकार सूत्र ये बताते हैं, एक तो अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है इन तमाम नेताओं को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और इन तमाम नेताओं से विनम्र विनती और आग्रह किया जाएगा कि इस यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, पार्टी के अपने लीडरों के जरिए कोशिश करें कि जितना भी यात्री देश भर से जम्मू कश्मीर आ रहा है उसे सुखद अनुभव हो और कोई भी राजनीतिक दल कोई ऐसी चीज न करे जिससे आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि जम्मू में पीएचई के जम्मू में जितने भी पीएचई के कर्मचारी हैं जो डेली वेजर हैं उन्होंने जाम की स्थिति हो चुकी है, बुरी फिर नहीं सकते, बहुत बुरे हालात हैं। इसी के बीच में यात्रु भी आ रहे हैं और आतंक का के साये में ये सारी यात्रा हो रही है लगातार। हर बार पुलिस ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा, अब समझ में नहीं आता ये कि डिवकॉम जम्मू हो, डिप्टी कमिश्नर जम्मू हो या एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह हो, क्या ब्रिजेस के ऊपर और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इनके ऊपर सेक्शन 144 क्यों नहीं लग सकता? ये एक बड़ा सवाल है जो आम जनमानस पूछता है, क्योंकि आपको अगर जानते हैं कि आतंकियों ने धमकी दी हुई है कि वो अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं तो आप इन जगहों को जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जिन इंस्टॉलेशंस के ऊपर किसी भी तरह की, मान लीजिए पुलिस वाले लाठीचार्ज करती है तो आप जानते हैं दोनों तरफ ब्रिज के गिरने के आसार हैं, और इतना बड़ा जहां पर क्या कहते हैं समूह कठा हुआ है वहां पर भी संभवता मान लीजिए किसी का पैर ही फिसल जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? और जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन को भी इस बात का सोचना चाहिए कि आम जनमानस को दुखी करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मसला हल अगर होता है तो वो एक ठीक रविश नहीं है। ये आम जनमानस का कहना है। आम जनमानस ये भी कहता है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये पीएचई दफ्तर के बाहर भी हो सकता है, शहर में और कई जगहें हैं जहां पर ये हो सकता है, लेकिन आम जनता को परेशान करना ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आज अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज सभी दलों की बैठक बुलाई है और वहां पर बैठक में बाकी तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है इतने राजनीतिक दल जब इनके बड़े नेता सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो वो जो उनके मसले हैं, वो जो उनकी परेशानियां हैं या जो उनको लग रहा है कि ग्राउंड पर जिसके कारण दिक्कत है, परेशानी है, उसका हल क्या है? आतंकी हमले जो कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर हो रहे हैं, उसके अलावा जो जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर जाहिर सी बात है वहां जब ये होगा तो इस पर बातचीत जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया है। तो अगर ये राजनीतिक दल बाहर इतना शोर हल्ला करते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, अब अगर मौका मिला है तो वहां पर उम्मीद है कि ये बातें भी सारी वो करेंगे। उसके अलावा जो सरकारी मुलाजमों को प्रीमैच्योर रिटायर करना है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें पब्लिक में हुई हैं। अब मौका मिला है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से उस पर भी बात होगी, अन्य कई और चीजों पर बात होगी। यानी वो जनसंपर्क, जिस जनसंपर्क की बात हम भी कर रहे थे और जिस जनसंपर्क को लेकर पूर्व जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी राम माधव और उनके साथ में और अन्य कई लोगों ने कहा था कि जनसंपर्क साधना बहुत ज्यादा जरूरी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नेताओं को, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को साथ लेकर ही जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति संभव हो सकती है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ये आज शाम को उनका ये उन्होंने बुलाया हाईटी के ऊपर, क्या होगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे और इस हाईटी के बाद भी आपको बताएंगे कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर क्या क्या चीजें हैं जो उनके सामने रखी।